नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बीएससीईटी की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की विज्ञान की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी प्रकार के प्रश्नों की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रश्नों का आप जो है जवाब जानते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कथन और कारण जो है आपके समक्ष है। कथन दे रखा है कि घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। कारण क्या दे रखा है कि एलपीजी की गंध जो है वो बहुत तेज होती है। तो विचार करके बताएं कि कथन और कारण में से क्या सही और क्या गलत है। जी दोस्तों बिल्कुल ठीक बात है, जैसे ही हमारे घरों में गैस लीक हो रही होती है सिलेंडर से तो उसका ज्ञान हमें हो जाता है। तो जो कथन है वह तो सही है, मगर एलपीजी की गंध तीव्र होती है यह कथन जो है वो गलत है। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि दोस्तों एलपीजी की कोई गंध ही नहीं होती है, उसमें अलग से कुछ मिलाया जाता है जिसके कारण जो हमें गैस का गंध का अनुभव होता है वह किसी और के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या आप जानते हैं बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जी बाईफोकल दो विशिष्ट ऑप्टिकल क्षमता वाले लेंसों के संयोजन के द्वारा बना चश्मा होता है, और दोस्तों बाईफोकल के आमतौर पर प्रोबियोपिया वाले लोगों के द्वारा किया जाता है इसका उपयोग। और इसका आविष्कार की बात करें दोस्तों जो प्रश्न में पूछा गया है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बाईफोकल लेंस का आविष्कार किया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं है और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। जी जैसे आप मिट्टी के तेल और पानी को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो वह घुलेंगे नहीं आपस में। आप बोतल के अंदर देखना चाहें तो आप दोनों को स्पष्ट रूप से अलग अलग देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे अमिश्रणीय मतलब इमिसिबल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। जी बिल्कुल ठीक, विश्व ओजोन दिवस या ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है, जो लगभग पृथ्वी के आकार के ही बराबर है। जी बिल्कुल ठीक, वीनस यानी शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी के आकार के निकट है। दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों वीनस यानी शुक्र ग्रह को हम सुबह का तारा या फिर सांझ का तारा कहकर भी जानते हैं, क्योंकि इसमें तीव्र प्रकाश होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, चाकू किसका उदाहरण है। तो विचार करके बताएं दोस्तों, चाकू जो है लीवर, वेज, इंक्लाइंड प्लेन या फिर पुली, दिए गए विकल्पों में से किसका उदाहरण है। जी दोस्तों अगर बात करें तो लकड़ी धातु आदि का एक टुकड़ा जिसमें एक मोटा सिरा होता है तथा एक पतली धार होती है जो किसी वस्तु को दो भागों में सुरक्षित तरीके से बांटने के लिए प्रयोग की जाती है वह वेड्ज कहलाती है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि चाकू भी ऐसी ही संरचना है जिसमें एक हत्था जो लकड़ी या फिर धातु का बना होता है और बीच में ब्लेड लगा होता है जो वस्तुओं को काटने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, जी दोस्तों यूएफओ के बारे में आप अक्सर सुनते होंगे, फुल फॉर्म क्या है। दिए गए विकल्पों में से राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या है। जी यूएफओ को किसे कहा जाता है, उस वस्तु को कहा जाता है जो कभी कभी आकाश में उड़ती दिखाई देती है मगर जिसकी पहचान जो है पहचान नहीं हो पाती है। जी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूएफओ की फुल फॉर्म अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मोबाइल फोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। विचार करके बताएं दोस्तों, जिस फोन पर आप वीडियो देख रहे हैं उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। जी 1973 में दोस्तों मोटोरोला के सीनियर इंजीनियर मार्टिन कूपर ने
अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी के एक कर्मचारी को फोन कर मोबाइल फोन पर बातचीत की शुरुआत की थी और इन्हीं के द्वारा आविष्कार किया गया था मोबाइल फोन का। ऑप्शन नंबर सी मार्टिन कूपर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं जी। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? क्या आप जानते हैं दोस्तों अभी तक कुल कितने अंतरिक्ष यात्री जो है वो चांद की यात्रा कर चुके हैं? जी नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले यात्रा करने वाले व्यक्ति थे। बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर डी कुल 12 यात्रियों ने चांद की यात्रा की है, चांद की सैर की है, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक होता है? बिल्कुल ठीक, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर बी रेजोल्यूशन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। रेजोल्यूशन पिक्सलों की संख्या का द्योतक होता है और रेजोल्यूशन बढ़ने से छवि और अधिक स्पष्ट हो जाती है। जैसे हमारे मोबाइल फोन के स्क्रीन के जो रेजोल्यूशन है जितने ज्यादा होंगे क्लैरिटी स्क्रीन में उतनी ही ज्यादा होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला मतलब वर्टीब्रेट जीव कौन सा है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? जी दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए विकल्पों की तो ऑप्शन नंबर ए कीवी इस प्रश्न के बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक छोटा सा पक्षी है और यह रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। ऑप्शन नंबर ए वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किससे हिमनदी बनती है? मतलब जो हमारे ग्लेशियर होते हैं उनका निर्माण किससे होता है? जी ग्लेशियर जो है बड़े बड़े हिमखंडों को कहा जाता है जो अपने ही भार के कारण नीचे की ओर खिसकने लगते हैं और दोस्तों इन्हें जो है हिमानी भी कहते हैं। और बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर बी बर्फ के जमाव से हिमनदी या ग्लेशियर बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों चोट लगने पर जिस बैंडेड का हम प्रयोग करते हैं उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? क्या आप जानते जी बैंडेड का आविष्कार जो है दोस्तों थॉमस एंडरसन और जॉनसन एंड जॉनसन के कर्मचारी एर्ल डिक्सन द्वारा वर्ष 1920 में किया गया था। दिए गए ऑप्शंस में से एर्ल डिक्सन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। थॉमस एंडरसन और जॉनसन एंड जॉनसन के कर्मचारी थे एर्ल डिक्सन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? बिल्कुल ठीक, एक्सरे, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, क्विक सिल्वर जो है वो किसे कहते हैं? जी क्विक सिल्वर जो है वो किसे कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, मरकरी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया क्विक सिल्वर जो है मरकरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर सिल्वर जैसी चमक और गतिशीलता भी पाई जाती है, इसीलिए इसे क्विक सिल्वर कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों मैग्नीशियम मिल्क का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए घुट्टी लेग, बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? जी दोस्तों विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी चीता, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। विश्व का सबसे तेज जमीनी जानवर जो है वो चीता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बिल्कुल ठीक, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा कर सांचे में ढालने की प्रक्रिया को अनिलीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें। दोस्तों कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतरराष्ट्रीय केंद्र में 340 दिन बिताकर वापस भारत को लौटा था, मतलब धरती पर लौटा था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, नवंबर 2012 में केली को मिखाइल कैनियोके के साथ एक विशेष 340 दिन के अभियान के लिए चुना गया था ताकि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वर्ष भर का जो मिशन किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, स्कॉट केली। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जी, गर्भ निरोधक गोलियों में दिए गए विकल्पों में से क्या शामिल होता है?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, गर्भनिरोधक गोलियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गॉड मिश्रण। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? जी दुर्लभ गैस जो सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की तो ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया ऑर्गन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो भौतिक दृष्टि से वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है और प्रतिशत के आधार पर अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन लगभग 78%, उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21%, उसके बबाद आर्गन 0.93% पाई जाती है, उसके बाद फिर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम और बाकी सारे गैसों का स्थान आता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली उत्पादन का एक पर्यावरण के अनुकूल ढंग नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, थर्मल पावर स्टेशन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पर्यावरण के अनुकूल नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी यहां पर उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके अलावा सोलर पावर, विंड एनर्जी और जैव अपशिष्ट मतलब बायोवेस्ट जो है यह तीनों ही पर्यावरण के अनुकूल बिजली उत्पन्न करने के साधन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी सितारे जो चमकते हैं उसके पीछे क्या सिद्धांत है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, सितारों के चमकने के पीछे का सिद्धांत पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलना है और इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बसंत विषुव मतलब महाविषुव जब रात दिन के बराबर होने का समय होता है किस तिथि को होता है? बिल्कुल ठीक ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च, मार्च की 20 तारीख को यह समय होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी तूफानी चेतावनी मतलब सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? जी दोस्तों बिल्कुल ठीक है, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी जो है वो सुनामी का इंडिकेटर है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कुईपर बेल्ट शरीर के लिए एक प्रोब है? जी कौन सा कुईपर बेल्ट जो है शरीर के लिए एक प्रोब है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, न्यू होरिजन कुईपर बेल्ट जो है शरीर के लिए एक प्रोब है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उनमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं, तो दोस्तों वैज्ञानिक कारण क्या है कि जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझता है समझाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट जब पानी में डाल दिए जाते हैं तो वो फूल जाते हैं, जिसको वैज्ञानिक कारण परासरण है जो दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था? जी कार का चलता हुआ पेट्रोल इंजन सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? बिल्कुल ठीक, कार्ल बेंज, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। मर्सिडीज बेंज का नाम आपने सुना होगा, इन्हीं की कंपनी है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? जी कुल कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है? जी दोस्तों, खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह को जो हमें एक एक तल में स्थित दिखते हैं तारामंडल कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में कुल 89 तारामंडल है, दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
89 है दोस्तों वर्तमान में, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल 89 तारामंडलों को नाम दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कई बार कई सारे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल्हेल्म रॉन्टजेन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न दोस्तों, इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन का अर्थ क्या होता है? जी, एक इकोटोन दो वायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है और यह वह जगह है जहां दो समुदाय मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री अपना वजन कैसा महसूस करते हैं? कम, ज्यादा, शून्य या फिर क्या लगता है आपको? जी दोस्तों, जो हमारा वजन होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे हमारा पृथ्वी पर वजन ज्यादा होता है, चांद पर गुरुत्वाकर्षण कम है, उस कंडीशन में हमारा वजन भी कम हो जाता है। और अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में यात्रा करते समय शून्य अपना वजन महसूस करेगा, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी होती ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों ह्यूमन के स्पाइनल कॉलम में मतलब रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की रीढ़ की हड्डियां में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बिल्कुल ठीक दोस्तों, कुल 33 हड्डियां होती हैं मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों निम्न में से खाद के लिए उपयोगी नहीं माना गया है, कौन जो है वो खाने के लिए उपयोगी नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया कि मछली की हड्डियां जो है वो खाने के लिए उपयोगी नहीं है, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, बस हमें यही बताना है। जी, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? जी दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली रिलेट टू कोलेस्ट्रॉल? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो रीसस बंदरों के शोध के संबंध में एंटीजन पाया गया है और अधिकांश 85% मनुष्यों के लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एक एंटीजन जिसे RHD कहा जाता है दिखाई देता है और एच के बीच असंगति एक मां और उसके बच्चे के लिए गंभीर बीमारी का कारण होता है, जबकि रीसस फैक्टर जो है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, यदि अमोनिया जो है गैस है तो कपूर क्या है? जी बिल्कुल ठीक है, कपूर जो है दोस्तों उड़नशील वानस्पतिक द्रव्य होता है और यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, तो कपूर जो है वो ठोस होगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए विकल्पों में से एक जो है बाकी सबसे अलग है, विषम है, विचार करके बताएं कि कौन एक ऐसा है जो बाकी सबसे अलग हो जाएगा। जी बात करें अगर हम दोस्तों तो कैफीन को अगर छोड़ दिया जाए तो कोकीन, निकोटीन और हीरोइन जो है यह तीनों ही जो है मादक पदार्थ है जो अत्यधिक नशीले होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कैफीन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, जो बाकी विकल्पों से अलग है। अगला प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ केली ने रिक्त स्थान पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी, तो दोस्तों किस स्थान पर? बिल्कुल ठीक दोस्तों, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी एक्सपेडिशन 26 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्सपेडिशन 26 पर 340 दिनों के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली थी स्कॉट केली ने। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, विचार करके बताएं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जी, पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन
कहलाते हैं। दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों अगर हम बात करें एक आइस क्यूब का पिघलना, यह एक भौतिक परिवर्तन होगा क्योंकि आइस क्यूब से बन जाएगा पानी और अगर हम चाहेंगे तो दोबारा से उसे आइस क्यूब बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जबकि एक अंडे का पकना, केक को बेक करना और केले का सड़ना, क्योंकि इसमें जो है हम दोबारा मूल पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरीके से किस प्रकार की थी? जी, पुराने पेंडुलम मॉडल की जो पद्धति थी वह लोलक वाली थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। मैकेनिकल जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों हवा क्या है? मिश्रण है, शुद्ध मिश्रण है, तत्वों का मिश्रण है, क्या है? जी, वायु जो है पृथ्वी के वायुमंडल में शामिल गैसों और इन सभी का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया है, क्योंकि दोस्तों वायु में तत्व और यौगिक दोनों का ही मिश्रण पाया जाता है। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था, तो कौन सा उपग्रह जो है पहला उपग्रह था जो भारत में ही निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था? बिल्कुल ठीक, रोहिणी ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न। हवा में अम्ल वर्षा मतलब एसिड रेन के छोड़े जाने का कारण क्या होती है? जी, एसिड रेन में दोस्तों अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए दोस्तों, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचाने, तो दोस्तों विज्ञान से संबंधित प्रश्न नहीं है मगर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी, इंटरनेट का पॉजिटिव यूज। जी, एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा सोर्स है इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया उनका ज्ञान बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। दोस्तों सिटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल ठीक। दोस्तों अगर हम बात करें तो स्कैनिंग जो है उसमें किसी प्रकार का कोई दर्द का अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी, स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन जाएगा, क्योंकि सिटी स्कैन के संबंध में यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों पश्चिम ब्लॉट किसके लिए नैदानिक परीक्षण होता है? तो दोस्तों एक चेकअप नाम होता है जिसका, पश्चिम ब्लॉट किस रोग के उपचार के लिए इस प्रकार का निरीक्षण किया जाता है? जी दोस्तों अगर हम बात करें एचआईवी की, तो एचआईवी की जांच के लिए जो एक किया जाता है वो किया जाता है एलिसा टेस्ट, और दूसरा किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट जिसे हम पश्चिमी ब्लॉट के नाम से भी जानते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है वो एचआईवी के नैदानिक परीक्षण के हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए दोस्तों अपने चैनल बीएसएटी की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।